अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शर्मा कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी सा कीमा रोल। चलिए देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, क्या क्या मटेरियल लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ हमने आधा किलो कीमा ले लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। एक कप मैदा, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 कप ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 टेबल स्पून। यहाँ हमने मसाले में ले लिया है 3 तेज़पत्ता, ज़ीरा, 4 गोल मिर्च, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। यहाँ हमने ले लिया है पुदीना, हरी मिर्च चॉप कर ली है, लेमन। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इसका डो बनाना। यहाँ हमने मैदे में ऑयल डाल दिया है, अब हम इसमें नमक डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको अच्छी तरीके से मल लीजिए। जब हमारा मैदा अच्छे से मल रहा होगा तो और भी ये क्रिस्पी और खसखस आएगा। आप देख सकते हैं आटा कुछ इस तरीके से हो चुका है। हमारा यहाँ डो बन के रेडी है, आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट हुआ है। अब हम इसको एक प्लेट से कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक चलिए हम तैयार करते हैं अपने स्टफिंग को। यहाँ हमने एक कढ़ाई में कीमा ले लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला, अब हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला, तेज़पत्ता, ज़ीरा, गोल मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे क्योंकि कीमा अपने आप पानी रिलीज़ करता है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डाल के अब हम अपने गैस में इसको रख देंगे। गैस को ऑन कर लेंगे, अपनी स्टफिंग को गैस पर रख देंगे। अब इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। चलिए 15 मिनट के बाद मिलते हैं। अब हम अपने गैस को स्लो कर देंगे। 15 मिनट हो चुका है, अब देखेंगे अपने स्टफिंग को। आप देख सकते हैं हमारे स्टफिंग में पानी रिलीज़ हुआ है, हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला था। आप देख सकते हैं इसमें पानी रिलीज़ हुआ है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे पुदीना, हरी मिर्च, लेमन डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए कवर करके फिर रख देंगे। 10 मिनट के बाद देखेंगे हमारी स्टफिंग कैसा है। आप देख सकते हैं 10 मिनट्स हो गया है, हमारी स्टफिंग में कुछ इस तरह कलर आया है, हमारा जो पानी था सब एब्जॉर्ब हो गया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसमें कितना अच्छा कलर आया है, अच्छे से भून लेंगे जो हमारा पानी थोड़ा बहुत है। अब इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। हमारा स्टफिंग बन के रेडी है, अब एक बोल में इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब चलिए हम अपने डो के साइड चलते हैं, उसकी शीट्स बनाते हैं। अब हम अपने डो को कट कर लेंगे अच्छी तरीके से, छोटे छोटे पीस में। कट करने के बाद इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। हमने इस साइड से कट किया है, आप जिस साइड टाइप से कट करना चाहे उस टाइप से कट करें, बड़ा छोटा अपने हिसाब से। चलिए इसके हम शीट्स बनाते हैं। हमने अपने शीट्स बना लिए हैं। अब 2 चम्मच इसमें स्टफिंग डालेंगे। अब इस साइड साइड में रोल ऑयल लगा देंगे। अब हम कॉर्नर कॉर्नर से पकड़ के रोल अप करेंगे। रोल अप करेंगे, ये देखने में बहुत टेस्टी है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। हमारा रोल बन के रेडी है। ऐसा रोल हम अपने सारे डो को ऐसे रोल अप कर लेंगे, अच्छे से बेल लेंगे। अब हम अपने शीट को बेलने के बाद साइड साइड से कट कर लेंगे, फिर हम अपने स्टफिंग को इसमें डालेंगे। वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट
रोल में किया था, साइड साइड से ऑयल लगा देंगे, फिर रोल अप करेंगे। साइड साइड से पकड़ के रोल अप करेंगे। हमारा रोल बन के रेडी है। अब हमने सारे रोल को ऐसे ही बना लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने गैस को ऑन कर लिया है। अब इसमें हम एक कढ़ाई रख देंगे, इसमें ऑयल डाल देंगे। अब अपने ऑयल को गर्म होने देंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब अपने रोल को डालेंगे। हमारा यहाँ तेल गर्म हो चुका है। हमें अपने इस फ्लेम को स्लो कर देंगे। हमें ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं फ्राई करना है, वरना हमारा जो रोल है अंदर से कच्चा रह जाएगा। हमें फुल फ्लेम में नहीं फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। चलिए अब हम अपने रोल को डालेंगे। जब हमारा रोल ब्राउन हो जाएगा हल्के एक साइड से, तो हम इसके साइड्स को चेंज करेंगे। अब इसके साइड्स को चेंज कर देंगे। आगे पीछे कर देंगे। हमारे रोल में कलर आ रहा है। साइड्स को चेंज करते रहिए कि ये जले ना। हमारा रोल फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सारे रोल को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। साइड्स को चेंज करते रहेंगे। हमारा रोल यहाँ बन के रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा है, कितना क्रिस्पी हुआ है। आप इसे पुदीने की चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।